अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूँढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाले हैं। आज हम पाए का सालन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने पाए ले लिए, 4 पाए लिए, उन्हें अच्छी तरह से धो लिया और फिर कट कर लिया है। पाए को किस तरह साफ करना है सही तरीके से, इसका तरीका भी हमने हमारी दूसरी पाए की वीडियो में बताया है। इसका लिंक हमने ऊपर आई बटन पर भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी, सही तरीके से किस तरह पाए साफ किए जाते हैं और अगर उन पर कुछ बाल रह जाते हैं तो उन्हें भी किस तरह क्लीन किया जाता है, ये सब हमने उस वीडियो में बताया है, ज़रूर से देखें। एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने लिया, इसे भी हमने स्लाइस करके डाल दिया। ये सब हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 10 से 12 काली मिर्चें भी डालेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल मिला देंगे, साथ में 500 ml पानी, आधा लीटर पानी या फिर 2 कप भरकर पानी मिलाएंगे। हमें पाए को पहले गला लेना है, तो ये सारे मसाले डालेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे, प्रेशर कुकर में इन्हें अच्छी तरह गलाएंगे। पहले हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 विसल तक, बाद में लो करके 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। टाइमिंग्स आपके पाए की क्वालिटी पर भी डिपेंड करते हैं। अगर ज़्यादा बड़े पाए हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेंगे गलने में, छोटे हैं तो जल्दी गल जाएंगे, वो हिसाब से थोड़े टाइमिंग्स को एडजस्ट करके पकाएं। हमने तली हुई प्याज ले ली है 1/3 कप और 1/3 कप ही हमने दही ली है। दोनों को मिलाएंगे, मिक्सर में डालेंगे और अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। दही तकरीबन 4 टेबलस्पून होगी। पाए को हमने गला लिया है, 15 से 20 मिनट बाद हमने फ्लेम को बंद करके थोड़ी देर कुकर को ऐसे ही रहने दिया, इसकी जो प्रेशर है नेचुरली रिलीज होने दिया है। प्रेशर को हाथ से ना निकालें, क्योंकि प्रेशर में भी काफ़ी हद तक पाए गल जाते हैं। पाए बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, आप देख सकते हैं स्किन से अलग हो रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह गल भी जाएं और ये बोन के साथ जुड़े भी रहें, बोन से अलग ना हो जाएं। बस अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल को हमने गर्म किया एक अलग वोक में, उसमें हम 3 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 पीस दालचीनी मिलाएंगे। आधी मिनट के बाद हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा स्प्लैश ना हो, इसीलिए हमने थोड़ी देर के लिए कवर किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर हम चलाएंगे और भून लेंगे। फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे 2 टीस्पून भरकर। लाल मिर्च पाउडर डाल के बस 10 से 20 सेकंड इस तरह चलाना है। ये पॉइंट पर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ऑयल में जब इस तरह हम रेड चिली पाउडर डालते हैं तो हमारे जो सालन का कलर है बहुत ही अच्छा और प्यारा आएगा। लेकिन एक चीज़ का और ख्याल रखना है, 10 से 20 सेकंड डालना है और इस तरह चलाना है बस। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि ये जल ना जाए। मिर्ची पाउडर को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, थोड़ा पानी ऐड करके। जो दही और बिरिस्ते का पेस्ट हमने तैयार किया मिक्सर में, उसे भी डाल देना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट बाद थोड़ा नमक मिलाएंगे। थोड़ा नमक हमने पाए की यखनी बनाने में भी डाला था, थोड़ा अभी डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हमने 2 बार डाला तो ध्यान से डालना है हमें। हम इसमें पाया डाल देंगे उसके सूप के साथ। फ्लेम को हमने हाई किया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा आया है, बस ऐसा ही कलर चाहिए था हमें। हम इसे थोड़ा लिक्विड रखेंगे क्योंकि पाए का पतला शोरबा खाने में अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़े पाए अच्छे नहीं लगते। हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे क्योंकि हम इसे पकाने वाले हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट, तो आधा कप और पानी मिला दिया हमने और कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट इसे पकने देंगे। 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके हमने पका लिया।
गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून से भी कम डाला हमने, दो हरी मिर्चियां भी डाल रहे हैं हम ये पॉइंट पे, साबुत खुशबू अच्छी आती है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप तीखा अगर कम खाते हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी बनी है, बस ऐसी ही चाहिए हमें। हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके रख देंगे फ्लेम बंद करके, बाद में सर्व करेंगे।